हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज है दिवाली और दिवाली के दिन मैंने व्लॉग थोड़ा सा लेट शूट करना शुरू किया है और मैं हो गई हूँ रेडी ना धोके। आज थोड़ा लेट हूँ, फिर भी मैं मेरा आउटफिट दिखा देती हूँ। तो मैंने ये वाइट जेगिंस लेगिंस पहनी है, ऊपर ये लाइट कलर का टॉप पहना है। ये देखो, ये कुछ ऐसी डिजाइन है। और अभी दिवाली के लिए रेडी होना बाकी है, वो मैं बाद में रेडी होंगी क्योंकि मैं पहले घर का काम कर लेती हूँ। और यमे सुबह सुबह लेके आए हैं श्रीखंड, तो सबसे पहले ये श्रीखंड टेस्ट कर लेते हैं। तो देखते हैं कि इसमें कौन सा है। तो ये है मिक्स ड्राई फ्रूट श्रीखंड और यहाँ पे है अमेरिकन ड्राई फ्रूट श्रीखंड। तो मुझसे रहा नहीं जा रहा है, इसीलिए मैं पहले दोनों बारी बारी टेस्ट कर लेती हूँ। बहुत बढ़िया है, काफी दिनों के बाद मैं आज श्रीखंड खा रही हूँ। और ये है अमेरिकन ड्राई फ्रूट। ये भी मस्त है। तो मैं दोनों को ढक के अभी फ्रिज में अच्छे से ठंडा करने के लिए रख देती हूँ और मैं जल्दी से श्रीखंड के साथ खाई जाती है पूरी, तो मैं जल्दी से पूरी बना लेती हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू YouTube चैनल। hey guys, तो हम हो गए हैं, अभी हो गई है शाम और हम हो गए हैं रेडी और इसको पता नहीं किस बात का रोना आ रहा है। फटाकड़ा फोड़ने फटाकड़ा तो चलो सोनो अंधारो थी जाए त्यारे फोड़वाना। हाँ, ए माँ, ये देखो इसको, इसकी बा के पास जाना है। मम्मी ले ले, ये देखो इसको सिर्फ घूमने जाना है इसीलिए रो रहा है। और अभी तक हम रेडी नहीं हुए हैं क्योंकि त्रिशिव को सुलाते सुलाते मैं भी कब सो गई पता नहीं। और मैं भी दो बजे, आपने त्रिशिव को नहीं सुलाया था, मैंने सुलाया था 4:30 बजे उठ गया था। हम भी 2 बजे सोए थे और 5 बजे उठ गए थे। और अभी हम जा रहे हैं रेडी होने और मैं जा रहा हूँ बाजार मम्मी के साथ। यस, और इसके बाद आज दिवाली है तो होगा पटाखों का मेला शाम को, आपको हम दिखाएंगे। शाम को नहीं, रात को, रात को, सॉरी, पर शाम को चालू हो जाएगा ना। हाँ, चालू ही है अभी, देखो ना आवाज आ रहा था पटाखे का, छोटे छोटे बच्चों ने तो चालू भी कर दिया, सुबह से फटाके जला रहे हैं और ये पूरा छोटी दिवाली तक यानी कि 1 महीने तक चलेगा, 15 दिन तक तो शायद चलेगा ही। हमारी ये दिवाली होती है और कुछ लोगों की वो छोटी दिवाली होती है ना, उन्हें वो बड़ी दिवाली बोलते हैं, देव दिवाली। हाँ, देव दिवाली, हम उसे देव दिवाली बोलते हैं, देव लोगों की दिवाली, और ये हमारी इंसान लोगों की दिवाली। सही है। तो चलो, अभी आज मैंने रंगोली भी नहीं बनाई है क्योंकि एक तो टाइम नहीं मिला और दूसरा कल कुछ नहीं है, परसों न्यू ईयर है और हम गुजराती है और गुजराती लोगों में दिवाली से ज्यादा न्यू ईयर का मायने बहुत रखता है क्योंकि हमारे गुजराती कैलेंडर के अनुसार हमारा कल हैप्पी न्यू ईयर है और हमारा साल बदलने वाला है, हम न्यू साल में एंटर करने वाले है। कल से फिर से कार्तिक मास शुरू हो जाएगा और आसो मास खत्म हो जाएगा, कल से नहीं परसों से, परसों न्यू ईयर है हमारा, तो उस दिन हम रेडी होंगे। लेकिन आप सब लोगों की आज दिवाली है, हमारी भी आज दिवाली है और सबके लिए दिवाली का त्यौहार ही बहुत मायने रखता है, गुजराती लोगों को छोड़ के। गुजराती लोगों के लिए न्यू ईयर, वो थोड़ा झगड़ा हो रहा था, आप उसमें ध्यान तो मत दो, बीच में हमने भी देख लिया। हाँ। तो चलो मैं तैयार हो जाती हूँ। और आप क्या पहनने वाले हो? कपड़ा।
मैं तो त्रिशूल के खिलौने पहनने वाली हूँ, आपको बताना ही भूल गई। तो हम पहनेंगे, पता नहीं, देखते हैं क्या मिलेगा कबाट में से। वैसे अभी भी अच्छा ही पहना है। तो अच्छे कपड़े इसको बोलते हैं कि हम कंफर्टेबल हो, इसमें मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। और मैं भी। चलो तो हम सीधा मिलते हैं रेडी होके। तो मैं हो गई हूँ यहाँ पे रेडी और मैंने आज वियर की है ये ऑरेंज कलर की साड़ी। तो ये कैसी लग रही है, और इसके साथ मैंने ये झुमके वियर किए हैं, इसके साथ मैंने ये वियर किए हैं झुमके। अभी सेट पहनना बाकी है और यहाँ पे त्रिशूल रेडी हो रहा है। देखो बच्चे यहाँ पे आ गए हैं। हाय काव्या, और त्रिशूल खेल रहा है बच्चों के साथ। मम्मी जाने के लिए रेडी है बाजार, और मैं जाऊंगी मेरी बेस्टी के साथ। हम जाएंगे मंदिर। हाँ, हम पहले मंदिर जाने वाले हैं और फिर पेट पूजा। वैसे तो मेरी बाप बोल के गई थी कि पहले पेट पूजा फिर प्रभु पूजा, लेकिन हम पहले प्रभु पूजा करेंगे और फिर पेट पूजा करेंगे। और योमेश पता नहीं कहाँ रह गए, और यहाँ पे ये योमेश आ गए हैं। तो चलो रेडी, चलो रेडी। त्रिशूल आपके साथ जाएगा बराबर। चलो, और मैंने अपने साथ कैरी किया है ये बहुत सुंदर सा पर्स, और इसमें मुझे क्या अच्छा लगता है ये दिखाती हूँ। ये देखो, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। बराबर हाचो पर तो हो गया एक जना महीना के ना सुना करी मु। ये तो के नी के गुणियो छ गुणियो बैठो। अरे अमुक भी घेरे जो आपरे इना जाणीता नी घेरे के गमता नी घेरे गेलो आय तो बहु आनंद थी रहो। ये तो कोई नी कम तो है ये जापने के चाल तो हो तो रडिया कर बेहन। दादी माँ के घर से बाहर निकलते ही बाजू में हमें ये इतनी खूबसूरत रंगोली दिखी, तो मैंने सोचा एक शॉट ले ही लेती हूँ। इसके बाद सीधा हम गए आशापुरी माँ के मंदिर। ये देखो, तो मंदिर इतना खूबसूरत लाइटिंग सजाया है, ये देख लो आप कितना मस्त लग रहा है। तो सबसे पहले हमने माता जी के दर्शन किए, लेकिन जब हम मंदिर पहुँचे तब माता जी को पर्दा पहना रहे थे, साज श्रृंगार कर रहे थे, तो इसीलिए पर्दा ढका हुआ था। फिर हमने दूसरे भगवान के दर्शन किए, और इसके बाद जब तक माता जी का ये पर्दा नहीं हटा तब तक हम वहीं खड़े रहे, और आखिर में हम माता जी के दर्शन करने के बाद ही लौटे। तो मैं आपको भी दर्शन करवाती हूँ यहाँ, आप सब भी माता जी के दर्शन कर लो। तो यहाँ पे है शिव जी का मंदिर, यहाँ पे शिवलिंग है, तो मैं यहाँ पे शिव जी के आशीर्वाद ले रही हूँ और त्रिशूल को भी दे रही हूँ आशीर्वाद भगवान के।
त्रिशूल का नाम भी शिव जी के नाम से ही पड़ा है और इसके बाद हमने हनुमान जी के दर्शन किए। त्रिशूल रोज सोने से पहले हनुमान चालीसा सुनता ही है। तो यहाँ पे माता जी का पर्दा जो लगा था वो हट गया है और माता जी का साज श्रृंगार अभी भी चल रहा है। फिर हम सब ने अच्छे से वापस माता जी के दर्शन किए, माता जी का आशीर्वाद लिया और यहाँ पे मैं आप लोगों को भी माता जी के अच्छे से दर्शन करवाती हूँ। तो ये देखो, आप भी आशापुरी माँ के दर्शन कर लो। आशापुरी माँ हम सब की मनोकामना पूरी करे। और इसके बाद मेरी फ्रेंड की जो गाड़ी लेके हम आए थे तो उसने मुझे बोला कि पहली बार गाड़ी को मंदिर लेके आए हैं तो इसकी पूजा तू ही कर, क्योंकि पहली बार भी उसने पूजा मेरे से ही करवाई थी। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना। और इसके बाद हम सीधा पहुँचे खाना खाने के लिए। तो ये देखो, ये नया फूड कॉर्नर खुला है तो हम वहाँ पे पहुँच गए। तो यहाँ पे मैं और मेरी फ्रेंड पहले पहुँच गए और इसके बाद मम्मी और त्रिशिव और योमेश कुछ काम था मार्केट में तो वो ख़त्म करके आने वाले थे। तो ये देखो, यहाँ पे त्रिशिव आ भी गया और जब तक ये लोग आए तब तक हमने ऑर्डर कर दिया था। और हम सबको बहुत ज़ोर से भूख लगी थी और घर जाने की भी उतावल थी क्योंकि दिवाली थी तो हमें घर जाके पटाखे भी जलाने थे। तो यहाँ पे मम्मा त्रिशिव को मुझे दिखा रही है कि ये देखो तेरी मम्मा। तो सबसे पहले मुझे खाने का मन हो रहा था वड़ा पाव, तो मैंने अपने लिए एक वड़ा पाव मंगा लिया था। ये देखो, इसके बाद आया था हमारा पनीर और ये मंचूरियन मंगाया था योमेश ने और त्रिशु बेबी डोसा खा रहा है यहाँ पे। इसके बाद राइस मंगाया था और घर आके गाइस यहाँ पे मैंने पूरे 51 दिए रेडी कर लिए हैं और योमेश गया है दियो की पाती लेने के लिए। तो यहाँ पे पानी में भिगो के रख दिए थे दिए और मम्मी यहाँ पे सुखा रही है। तो मैं दिए रेडी कर लेती हूँ और तब तक मेरा फ़ोन चार्ज कर लेती हूँ क्योंकि मैं मेरे हर शूट फ़ोन से आईफोन से करती हूँ और फ़ोन में बैटरी पूरी ख़त्म होने वाली है। तो मैं उतनी देर दिए भर लेती हूँ, उतनी देर फ़ोन चार्ज कर लेती हूँ। चलो मम्मी आना करता ना लो लाल पिल काकी आएंगे एना जी मोटा लाता हूँ खाए उनकी जरा जरा वाले मारे की पूजा करो अपन करके घर के कपड़े में आ गई हूँ क्योंकि योमेश बोल रहे हैं कि साड़ी में कहीं कुछ आग वाग लग गई या दिया से जल गई, अभी फटाके भी फोड़ने हैं।
तो मुसीबत खड़ी कर देगी तू मेरे लिए, इसीलिए तू घर के नॉर्मल कंफर्टेबल कपड़े में आ जा और फिर हम पटाखे जलाते हैं। अभी वो ऊपर बालकनी में दिए रखने के लिए गए हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ, त्रिशु भी जग रहा है क्योंकि त्रिशु को भी पटाखे देखने हैं। कब है? देखो यहाँ पे है काले कौन हल्का वन दिवस दिवाली पंचम दिवस नवन दिवस से बेचार कर है मम्मी। तो यहाँ पे ये थैले भर भर के पटाखे हमने लाके रखे हैं, ये देखो सभी में है पटाखे। अभी ये सब बाहर निकलते हैं। दूती बधा बाहर काट देवा छे, बधा बाहर काढ़ी नाखवा छे। हाँ चलो फोटो पाड़ी। तो ये देखो गाइस यहाँ पे है मेरे पटाखे, ये देखो। और कितने सारे तो हम लोग बाकी के दिनों में पटाखे इसमें से खत्म कर चुके, इतने ये बाकी है, ये सब आज खत्म करना है। क्या बोले? हाँ बिल्कुल, आज पूरी दिवाली मना के ही रहेंगे। आज दिवाली मनानी है ना, ये देखो यहाँ पे हमने दुकान लगाई है। आपको क्या चाहिए? आज ये पूरा खत्म करना है। क्या बोलना आपका? ओके है? आज ये पूरा खत्म करना है। ये आधा घंटे में सब हो जाए, 15 मिनट। चलो ठीक है, 15 मिनट में देखते है की क्या कर पाते है योमेश, यानी कि हम सब। अभी त्रिशु को भी दिखाते हैं, ये बड़ी वाली कोठी पहले त्रिशु को जला के दिखाते हैं। चलो हल्का चल। वो लॉन्ग समय चाली जो वाव। पूरी नहीं थी ना तो गुंजन, ये सब दिवाली का इसमें थोड़ा टाइम लगा, अच्छा लग रहा है। पूरा घर इस तरफ भी रखा है, इस तरफ बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा दीवा दीवा दीवा, पूरे लाइन दीवा दीवा की कर दी। देखो आवाज बहुत आ रही है, आज दिवाली है ना, पर जितनी होनी चाहिए उतनी है नहीं। कोई इतना एंजॉय नहीं कर रहा है, इतने इतना कोई फटाकड़ा नहीं फोड़ रहा है। आज इधर हम ही, बाकी का सब लोग 10 बजे के बाद आएंगे, 10 बजे के बाद फोड़ेंगे। तो ये देखो गुंजन फोड़ रही है, चल। ये देखो जला रही है, हल्का तो भी रे जलाना पूरी तरह से। अरे
તમે છે ને તમે આ બાજુ આવી જાઓ, કેમ કે એમ ધુરળ એમ આવતો છે. તમે તમે તઈ ના હે પેલા ઓટલા પર નાહી જાઓ. દૂર આવે ધુરળ આવે ને તમે મૂકો બો તને મને ફોન દે દો. યે દેખો યોમેશ કરે. ઓ માય ગોડ સારા ધુઆ ઇસ તરફ આ રહા હૈ ઇસીલિયે ત્રિશુ કો ઉસ સાઇડ ભેજ દિયા. गाइस तो रात को ढेर सारे ऑलमोस्ट 70% से ज़्यादा पटाखे ख़त्म करने के बाद फोड़ने के बाद 30% हमने कल के लिए बचा के रखे हैं और नक्की किया है कि कल वापस पटाखे लेने जाएंगे. और इसके बाद हम रात को यहाँ पे आए हैं सोडा पीने के लिए. मैं मेरा भाई मेरी दोस्त और योमेश आए हैं ले लो एक 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 एक.